मेरी क्रिसमस। तो अभी ये क्रिसमस की क्रीप तैयार कर रही हूँ। मेरे पास लोहे की परमानेंट ऐसी एक हट यानी झोपड़ी बना के रखी हूँ, तो उसको हर साल हम ये जो धान के तनस रहते हैं ना उससे सजाते हैं, और ये लकड़ी के ताटे लाते हैं और उससे सजाते हैं। उसको हर साल मैं पैक करके रखती हूँ। तो किस तरह से हम डेकोरेशन करते हैं ये मैं ये आपको ये वीडियो में दिखाती हूँ, और इसके बाद के वीडियो में आगे का सब दिखाऊंगी। तो चलो देखते हैं। और अभी अपन ये जो क्रीप है ना इसको सजाएंगे। तो इसको मराठी में गवानी बोलते हैं। और हर साल मैं क्या करती थी, मेरे पास ना पुराने मैंने गोवा से लाए हुए ऐसे थोड़े छोटे छोटे पुतले थे, तो इस बार मैंने जब मैं अभी वेलंकनी गई थी तो वहाँ से ना ये नए वाले लेके आई। तो इस बार अभी इसका पैकिंग अनपैकिंग मैं आप ही के सामने करती हूँ। तो इसको देखते, वो पिछले बार के जो थे ना वो बहुत छोटे छोटे थे, तो इस बार मैंने अच्छे बड़े 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 हैं, बहुत बड़े भी नहीं लाई लेकिन थोड़े बड़े हैं। तो इसको अभी अनपैक करते हैं। बहुत चिपका के रखा है, ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है, मैं गलत जगह से उसको काट रही थी। तो ये निकल गया अपना खजाना। ये देखो मैंने क्या की थी, ओ जब मैंने ये शॉप में खरीदी थी ना तभी उस पर सब नाम लिखी थी, क्या क्या नाम है, क्योंकि मैं भूल जाती ना, मुझे इतने नाम याद नहीं रहते, तो ये सब नाम लिख के रखी थी। अभी इसको अपन अनपैक करेंगे। और ये है, इसमें क्या है, इसके साथ छोटा आया है, गुलजार सिंह सिम। ये इसके लिए मुझे बहुत दुकान में ने सर्च करना पड़ा। ये देखो ये बेबी जीजस कितना प्यारा है ना, छोटा सा। ये देखो ये इसमें का है ना, इसमें का छोटा है। कहाँ है बेबी, बेबी जीजस कहाँ पे है, ये है, ये है। ये देखो ये छोटा सा था, तो फिर मुझे लगा कि अरे ये सब बड़े हैं, तो मैंने इसके लिए इतना दुकान ढूंढी ढूंढी तो वेलंकनी में मिल गया। ये सेट के साथ आया था और ये छोटा मैंने अलग से ली, तो थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। ये देखो ओने ओने दीदी दीदी ओने ओने। ये हे बघ आता लावलं मी, है ना, हे माहित आहे कोण आहे, हा बेबी जीजस। हा अरे बेबी जीजस दिसतच लागते, हा बेबी जीजस आहे। शीप कुठे ठेवू, आता इथे मी इथे ठेवू ना, हे वाला लावून आता हे आहे ना, अच्छा याच्यासाठी घास दिलं ना, आता इथे आपण रेती टाकू, आता हे कळलं ना तुला हे कोण कोण आहेत का। हे जीजसची मम्मा आहे, ती एंजल आहे, ती किंग आहे, आणि हा मेंढी वाला बाबा, मेंढी वाला मेंढ्या पाळा, हे आपण मेंढीला इकडे ठेवतोय, मेंढ्या हा मेंढ्यावाला आहे, आणि हा कॅमल आहे, उंट ही गाय आहे गोठ्यातली, हे यांचा गोठा आहे ना, हे आया आहे ये क्रीप देखने के लिए। तो ये देखो हाँ, तो इसको बहुत इच्छा थी कि जब आप क्लिप सजाओगे तो मुझे बुलाना, तो इसीलिए फिर मैंने सोची कि चलो अभी नहाना वगैरह, अभी हमारे नागपुर में ठंडी भी बहुत पड़ रही, तो अभी मैं जब चालू कर रही थी तो ये नहाने चला गया था, तो फिर मैं रुक गई, मैं बोली चलो तो थोड़ी देर देखते, क्योंकि चार पांच दिन से बताया था कि मुझे देखना है देखना है। तो अभी ये देखो, और ये यानी जब भी ये क्रिसमस ट्री इधर आता है तो ये आता ही है क्लिप के पास, क्रिसमस ट्री के पास वगैरह।
तो अभी मेरा ये लगाना हो गया है, अब इसके आजू बाजू का जो डेकोरेशन है वो करूंगी। तो ये जो है ना, ये मेरे पुराना जो सेट था ना उसमें के है ये, तो अभी नए सेट के ये यहाँ लगा ली और पुराने वालों को यहाँ पे ये कर लूंगी। तो लगाती हूँ अभी मैं, अभी फिर इस पे लाइटिंग भी लगाना है। खेती बनाई, ये जो है ये खेती है। तो अभी ये अपनी बकरी वकरी है ना जो उसको चराना है, तो उसके लिए खेती बनाई हूँ। तो खेती के लिए एक ये रेती भी है ना, ये देखो ये सैंड जो है ये मैं गोवा से लेके आई। और देखो ये जो सैंड है ना, ये यहाँ की सैंड नहीं है, ये मैं गोवा गई थी, अरे बहुत दशक साल हो गए ये सैंड को। मैं क्या करती हर बार इसको यूज करती और फिर पैकेट में रख देती हूँ। ये देखो ये गोवा की सैंड है, अपने यहाँ की नहीं है। तो मैं उधर से एक पैकेट भर के सैंड भी लेके आई थी। तो हर साल फिर इसको अभी बहुत बड़ा भर के था पूरा, लेकिन कैसे हर साल यूज करो फिर रखो, तो उसमें ना बहुत सी मेरी सैंड कम हो गई है। तो अभी ये अपने को डेजर्ट भी दिखाना है, खेती भी दिखाना है, तो इसीलिए मैंने सोची कि चलो अभी सैंड का भी थोड़ा उपयोग कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं इसको भी। तो अभी ये सैंड में लगा रही हूँ, और मेरे को और थोड़े पहाड़ पहाड़ भी बनाने थे लेकिन टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं उससे वो पहाड़ भी बना लेती थी। देखिए अगर टाइम मिला तो मैं तो बड़े बड़े पत्थर ही ला के रख दूंगी। तो ये कर तू कर 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 असल से थोड़ा प्लेन कर दिख रहे जतनों को जाऊ दू। हाँ और मेरे को शुभम भी हेल्प कर रहा है करने के लिए। और ये अभी हमारी खेती बन रही है, खेती सैंड में। कभी कभी राजस्थान में भी खेती होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि खेती नहीं होती है। तो हमारे बकरियां चराने के लिए हमको खेती भी चाहिए। ये ले शुभम तू। तो ये अभी हमारा सैंड का प्रिपरेशन चल रहा है। गोवा का फील आ रहा है, इसको हाथ लगाती ना तो ऐसा लगा गोवा में ही गई हूँ। और ये शिवम अपना सैनिटाइजर भी लेके आया मेरे पास, ले बेटा। मनी प्लांट ला जास्ती कहीं चला शेयर करे थी गरम। छोटे वाले तीनों निकाल दे, वो इधर के तीनों, हाँ वो निकाल दे। तो अभी ये अपनी क्रीप तैयार हो गई है। अभी इसका मेकअप का काम, यानी उसको लाइटिंग लगाने का काम, लाइट्स लगाने का काम अभी ये हमारा रोम्पी करके दे रहा है। पूरे घर को उसी ने लाइट्स लगाए हैं, यानी लाइटिंग लगाई है, सीरीज वीरीज जो भी है वो सब उसने लगाया है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक का इतना ये नहीं होता और फिर चढ़ना भी पड़ता है। और होने के बाद देखो ये इतना ऐसा दिख रहा है। ये तो डे का लुक है अपने क्रीप का, नाइट में तो बहुत ही सुंदर दिखती है। तो वो भी लुक दिखाऊंगी मैं आपको।
तो ये अभी शिवानी वो क्रिसमस ट्री के पास रखने के लिए जो गिफ्ट रहते हैं ना उसको पैक कर रही है। ये मेरे पास थे ऐसे, तो मैं बोली चलो इसको इसी को पैक करते हैं गिफ्ट आए हुए। तो ये अभी गिफ्टिंग का काम, गिफ्ट रखने का काम जो है वो शिवानी को दे दी मैंने, तो वो कर रही है अपना, क्योंकि वो ट्री के लिए, ट्री बनने के बाद कैसा दिखता है ये भी मैं अभी, ये देखो ये खोखे खाके को लाके हम उसको रैप करके अच्छा पैक करके वो ट्री के पास रखेंगे। और ये खिस्ती साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनका एक चल रहा है, हाय कर रहे हैं आप लोगों को। और अभी ये पैकिंग होने के बाद फिर क्रिसमस ट्री कैसे दिखता है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और सब अभी जोरों शोरों से काम पे लगे हैं, पूरे खोके खाके ऊपर से सज्जे पर से निकाले हमने। हर साल क्या करना पड़ता है, ये निकाल के फिर वो खोके पे डाल के सज्जे पे रख देना पड़ता है, और फिर नीचे आने के बाद नीचे उतारो उसको क्रिसमस के वक्त, और फिर उसमें से देखो क्या क्या लगाना है। तो ये अभी लाइटिंग का काम तो रोम्पी ने कर दिया है, अब ये ट्री को सजाने का काम मैं, शिवानी और हमारा संजू भैया कर रहे। संजू भैया फटाफट मुझे क्लिप में एक 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 जो है बेल्स है, स्नोफ्लेक्स है, और क्या क्या जो सामान है वो पिन में लगा के दे रहा, और मैं उसको फटाफट टंगा रही हूँ। और हमारे खिस्ती साहब अपने मोबाइल में बिजी है, तो ये देखो हमारा पसारा बहुत फैलावा हो जाता है, पूरा निकालो। और अच्छा हो गया कि मैंने वहाँ से ना वो क्लिप्स लेके आई थी, तो उससे क्या है, ये देखो ये भैया के हाथ में दिख रही है ना, उससे ना वो ट्री को अटकाने में बहुत इजी पड़ता है। नहीं तो पहले ना हमको हर बार वो रस्सी से या धागे से या किसी से उससे बांधना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो इस बार हमारा काम थोड़ा ईजी हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, उसको लेते हैं, वो पिन में अटकाते हैं, और वो पिन वो ट्री को जो उसकी ब्रांचेस जो है यानी वो डंगाली जो रहती है ना फांदी, तो उसको ही टंगा देते हैं। और ये बाहर का लुक देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अभी लाइटिंग ऊपर की यानी घर के जो लगाना है ना वो सब लगा ली है, और चालू करके भी देख लिए हमने। और लेकिन बीच में बारिश ही आ गई थी, तो हमारा वो जो बीच में हमने ये लगाया है ना वो गीला ही हो गया था, कागज लगाया था। तो अभी शिवानी मैं और भैया तीनों मिलके ट्री को फटाफट सजा लेंगे। और इस पे ना और अभी क्रिसमस का डेकोरेशन चालू है, आप सब भी आ जाओ मुझे हेल्प करने के लिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा कहाँ पे लगाऊं इतने सारे। और ये जो है ना ये सब मैं कनाडा से लेके आई थी, वहाँ कैनेडियन शॉप है वहाँ से खरीद के लेके आई थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पिछले साल वहाँ पे थी तो फिर वो क्रिसमस हो गया था, और फिर वो लोग क्या करते हैं बहुत थोड़ा कम रेट में देते हैं, तो मैंने क्रिसमस के बाद ये शॉपिंग की थी, तो इसीलिए ये सब। वैसे क्रिसमस के उसमें भी ली थी मैंने एक दो, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है वो सब मैं उधर से लेके आई थी। अभी ये देखो ये जो है ना इसको देखा, ये सेंटा क्लॉज के इसके बैग में है कैंडी वगैरह है, ऐसे छोटा सा सेंटा क्लॉज, ये मेरे को बहुत पसंद आया था, ये मैंने डोलोरामा से ली थी। और ये कैनेडियन शॉप से ली थी, ये गोल्डन वाले वगैरह ये वहां से ली थी कैनेडियन शॉप से। वहां ना इतनी चीजें रहती है बाप रे, समझ में नहीं आता कौन सा लो और कौन सा नहीं। और अभी मेरे को समझ में यहाँ नहीं आ रहा है क्या क्या कहाँ पे लगा उसको सब। तो उधर के ना क्रिसमस ट्री ना इतने पॉश रहते हैं, ये इधर का अपना, मेरे पास ओरिजिनल क्रिसमस ट्री था लेकिन क्या हो गया वो बहुत बड़ा हो गया था तो मर ही गया, तो इसीलिए अभी मैं इस साल ये, इस साल नहीं दो साल पहले ही मैंने ये आर्टिफिशियल वाला दे और इसको सजा रही थी, और पूरा ऐसे भरा हुआ अच्छा लगता है ना, ऐसे जब पूरा भरा रहता है ना उधर ये सब, ये स्नोफ्लेक्स है, इसको स्नोफ्लेक्स बोलते ना, अभी उधर के लोगों को तो पता है लेकिन इंडिया के तो ये सब मैं उधर से लाई, ये अपने साइड में बहुत रेयर में कम मिलते हैं। और ये देखो बियर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं ये स्वेटर देखो, ये स्वेटर छोटा सा स्वेटर, और उस पे भी है ये मेरे को बहुत पसंद आया था, तो जो जो चीजें मुझे अच्छी लगी मैं सब ये वहां से लेके आई हूँ। और ये हमारा पसारा देखो, ये ऐसे खोके में रखना पड़ता है पूरा फैलावा, और हर साल फिर इसको संभाल के रखते हैं, और जब क्रिसमस आता है तो फिर निकलते हैं और लगाते हैं अपना, चालू कर देते हैं डेकोरेशन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डेकोरेशन करना, ये मेरे
मुझे अच्छा लग रहा है इसमें, बहुत खुशी मिलती है ये सब सजाने में। हमारी सोनी थी ना तो हम दोनों मिलके करते थे। अभी वो उसके यहाँ भी पिछले बार हमने सजाया था, लेकिन अभी हमारा बाबू बहुत छोटा है ना, यानी बाबू यानी हमारी औरी, तो वो क्या करेगी सब फेंक फाक करेगी, इसलिए मैं उसको बोली थी कि भाई सोनी तू अभी इस साल ना कुछ ज्यादा सजाई मत, तो शायद अभी पता नहीं सजाते कि नहीं, तो लेकिन उसको बोली थी बाबू सब फेंक देगा।